समस्या हो वो समस्या का निराकरण करने की भूमिका हमारे सहयोगी मोजे चिन्नप्पा और उनके साथियों ने की है। आपको पता है कि दो दिन पहले देश में बहुत भीषण दुर्घटना हुई। हमारे देश के लिए बलिदान टाइम पे देने वाले जो शूरवीर जवान थे, हमारे तीनों दल के प्रमुख आदरणीय रावत जी साहब का जो हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया और उसके तुरंत ही एक दिन बाद मुझे चिन्नप्पा फाउंडेशन और सारथी फाउंडेशन ने जो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, 12 साल से ज़्यादा इस परिसर का विधायक होने के नाते मैं देख रहा हूँ मुझे चिन्नप्पा और उनके सहकारी बहुत ही अच्छी तरह से काम इस परिसर में कर रहे हैं, चाहे वो विकास का काम हो चाहे इस ब्लड डोनेशन जैसा काम हो, भविष्य में भी यही ऐसा काम हो इस परिसर के विकास के लिए और इस परिसर के लोगों के लिए करते रहेंगे, ये उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और सारथी फाउंडेशन के सभी कमेटी मेंबर को दिल की गहराइयों से हम बधाई देते हैं कि इस कोविड महामारी के चलते आज भी रक्त की कमी है, जिस मात्रा में पहले रक्तदान होता था वैसे अब नहीं होता है और ज़रूरतमंद को जब ज़रूरत पड़ती है तो रक्त की जो है कमी होती है। इसलिए आज मोजेस चिन्नप्पा जी उनके टीम ने और सारथी फाउंडेशन जी के सभी टीम मेंबर ने इस कैंप का आयोजन किया है, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपके इस कैंप के माध्यम से बहुत विश्वास रखा हमारे ऊपर, इसलिए मैं इनको थैंक्स बोलती हूँ। और राजकारण तो होते रहता है, आप देखेंगे यहाँ पे हर एक पार्टी के लोग हैं, हर एक संस्था के लोग हैं, ये होता रहता है, लेकिन ये जो राजकारण छोड़ के एक समाजकरण का जब मुद्दा आता है ना, इसमें सबको आना चाहिए, क्योंकि अभी कोविड के चलते आप देख रहे हो पिछले साल से लोग इतने जूझ रहे, ज़्यादातर हॉस्पिटल में ब्लड की कमी के कारण बहुत सारे लोगों की मौत तक हो गई है। और इसमें पिछले साल जो सारथी ने अपना एक कदम उठाया है, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं इससे गई हूँ, तो ये शुरुआत हुई है मोजेस चिन्नप्पा फाउंडेशन की ओर से। अभी आप आगे देखिए इसमें क्या क्या होने वाला है, ये हम बताएंगे नहीं, आप देखेंगे सामने से। एक क्वेश्चन, सभी पदाधिकारी सहभागी होते हैं तो इसके पीछे ये सक्सेस के पीछे राज क्या है? आई थिंक जब आप अच्छा काम करते हो तो आपकी फैन फॉलोइंग होती है। मैं नहीं कहूँगा कि आमदार लोग मेरे फ़ैन हैं, पर आप शायद मानोगी नहीं, जो भी आप राजनेता आमदार खासदार देखते हो, मैं कभी पर्सनली उनके ऑफिस में जाके या उनको मिलने नहीं जाता हूँ, मेरा फेसबुक पे मैसेज आता है, व्हाट्सएप पे आता है, कहीं ना कहीं मेरे जैसे कार्यकर्ता उनके वार्ड में और ये उनके लोगों के द्वारा है। आप आमदार बोलो तो एक कम से कम एक 1,500-2,000 बिल्डिंग उनके अंडर में आती है। आप अगर एक नगर सेवक देखो तो उनके अंडर में कम से कम 40 से 45 बिल्डिंग आती है। मैं जो काम कर रहा हूँ, हेलमेट का हो या कोविड के वैक्सीन का हो या स्टे एनिमल्स के लिए कुछ खाने का हो, गरीब लोग के कुछ अन्य मेरे जैसे काफ़ी लोग काम करें, कहीं ना कहीं उनके वार्ड का फ़ायदा है, उनको भी लोग मिलने मिलते हैं। आज एक आमदार नगर सेवक को क्या चाहिए कि वो जनता में जाए, जनता के बीच जाए। और मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे कार्यक्रम में सभी वार्ड के लोग आते हैं, तो वो शायद एक अलग नज़र से मुझे देखते हैं। वो कभी मुझे शिवसेना का शाखा प्रमुख या कोई पर्टिकुलर पार्टी के लोग नहीं देखते, एक सोशल वर्क का देखते। जैसे मैं लायंस क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, जब हम लायंस क्लब से काम करते हैं तो कोई पार्टी उसमें नहीं होती, और मैंने एक साफ सुथरा मोजेस चिन्नप्पा का इमेज बनाया हुआ है। आप लोग को आश्चर्य होगा कि मैं पिछले 10-12 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने फाउंडेशन को रजिस्टर भी नहीं किया, अब रजिस्टर कर रहा हूँ, क्योंकि मंत्रालय में आप पत्र भेजते हो तो रिप्लाई आने के लिए फाउंडेशन रजिस्टर होना जरूरी है। और मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पास रेशमा मैडम है, सचिन पोपले सर है, प्रवीण उत्तेकर जी है, संजय लाड़ है, प्रमिला जी है, खुशबू है, ये सब लोगों का कहीं ना कहीं समाज में एक वर्चस्व, एक कमांड है, और जब ताकत जुड़ती है तो ताकत और बड़ी हो जाती है। जो काम मैं आगे के लिए मैं सोच रहा हूँ मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ, ताई हमारे साथ और बाकी जो भाई है इन सब के साथ मिलके मैं और जो अगला कदम उठाने वाला हूँ शायद उसमें भी मुझे सक्सेस मिले। रही बात मोजेस चिन्नप्पा और सारथी फाउंडेशन की तरफ से बहुत अच्छा उपक्रम लिया जा रहा है, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में है और आने वाले दिनों में और ये अच्छा कार्य करे, मैं शिवाजी महाराज की चरणी प्रार्थना करता हूँ। एक बात मैं तो देना कि नगर सेवक है, जो नगर सेवक रैन काम होता है, अगर आप देखने जाएंगे मोजेस चिन्नप्पा आए दिन साल में ऐसे कई दिन होते हैं जब वो लोगों के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं, क्या ऐसे व्यक्तियों का महानगरपालिका में होना जरूरी है, एक नगर सेवक होते हैं, उसका क्या कहना होता है? मोजेस चिन्नप्पा जैसा एक समाज सेवक मुझे लगता है मीरा भाईंदर महानगरपालिका के हद में है, और वो हद में नहीं, वो सभागारों के अंदर जाना चाहिए मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंदर, क्योंकि मीरा भाईंदर में बहुत से ऐसे नगर सेवक जनप्रतिनिधि है जिनको कुछ नॉलेज नहीं है। आज मीरा भाईंदर का आप दिन भर देखते रहेंगे मीरा भाईंदर बैकफुट पे जा रहा है, उसका कारण ऐसा है कि जनता का जो प्रतिनिधि है उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, ना प्रैक्टिकल कुछ बात कर सकते, जिनको बोलने का ढंग नहीं, ऐसे नगर पालिका में प्रतिनिधि बैठे। आज देखेंगे आप, आज पर्यावरण का हमारा एक साफ सफाई का मुहिम था, समुद्र किनारा जो था
तो साफ सफाई का मुहिम था। आप विचार करो, समुद्र के लगकर जो मैंग्रोव है, मैंग्रोव को उसकी कत्ल किया जा रहा है दिन भर दिन। आज देखेंगे कोई भी प्रतिनिधि उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा रहे। तो मुझे लगता है कि एमओजे चिन्नप्पा जैसा एक एनिमल लवर है और एक नेचर लवर है, ऐसा एक प्रतिनिधि जाना बहुत जरूरी। रक्तदान महादान आणि त्याच्यासाठी हे जे मोजे चिन्नप्पा फाउंडेशन आणि सारथी फाउंडेशनने एकत्र मिळून हे कॅम्प आयोजित केलेलं आहे, तरी माझी सर्व मीरा भाईंदर नागरिकांना नम्र विनंती आहे की त्यांनी डोनेशन कॅम्पमध्ये यावं, ब्लड डोनेट करावं आणि येणाऱ्या एखाद्या एक ब्लड डोनेशन केल्याने आपण एक जीव वाचवू शकतो, त्याचं समाधान ब्लड डोनेशन केल्यानंतर जे मनाला एक समाधान भेटतं ते समाधान भेटेल, त्याच्याकरता माझी सगळ्यांना विनंती आहे की ब्लड डोनेट करावं, 6 महिन्यात एकदा तरी सगळ्यांनी करावं, माझी नम्र विनंती। तो सारथी फाउंडेशन ऐसे मेडिकल कैंप काफ़ी करते आ रहा है और रिसेंटली अभी जैसे थोड़े दिन पहले ही हमारे समझ में एक चीज़ आई कि CDS हमारे विपिन रावत जी का जो देहांत हुआ, बहुत ही दर्दनाक देहांत हुआ उनका, तो इस केस में लागत भी लगती है और हमको एक प्रेरणा भी मिली कि भाई ऐसे कामों में एक ब्लड डोनेशन कैंप रखना चाहिए। शायद उसी से एक प्रेरणा लेकर हम लोगों ने एक प्रोग्राम भी डाला और इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया। हमारी सिर्फ एक ही गिनती है कि जितने भी रक्तदान डोनर हैं, जो डोनर्स हैं हमारे, उनको एक ही चीज़